14 जनवरी यानी मकर संक्रांति। कहा जाता है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो 14 जनवरी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति आखिर 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जा रहा है, और आखिर इस बार इस वर्ष 2022 में क्या शुभ उसका मुहूर्त है और मकर संक्रांति के पीछे क्या कहानी है, इन सब बातों की जानकारी के लिए ईटीवी भारत के साथ मौजूद है अविनाश शास्त्री, जो मुंगेर जिले के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। सर, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वर्ष मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है, कब लोग शुरू करें और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, पहले ये बताएं। देखिए, जैसा है क्या कि मकर संक्रांति जो मनाया जाता है ये सूर्य की संक्रांति होती है। हाँ। संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। हाँ। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हाँ। और सूर्य इसी दिन से उत्तरायण होते हैं। इस बार जहां तक बात है 2022 की, तो 2022 में जो सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है, जो संक्रांति हो रही है, वो दोपहर में लगभग आपका 12:40 के बाद है। ठीक है जी। तो कुछ मत के अनुसार जो है ये 14 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है और कहीं 15 तारीख को भी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वजनों का मानना है कि उदया तिथि में नहीं है सूर्य का राशि परिवर्तन, तो लोग दोनों दिन मनाएंगे, 14 तारीख को भी लोग मनाएंगे और 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मनाएंगे। मकर संक्रांति के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए और इसमें दान का क्या महत्व है? मकर संक्रांति में जो है, इसमें सुना होगा, इसे देहाती भाषा में तिल संक्रांत भी कहा जाता है। तिल का मतलब तिल, संक्रांत का मतलब होता है शक्कर। इसके पीछे की कहानी को समझा जाए तो देखिए, इस दिन जो है तिल का दान करने का काफी महत्व है जी। और शक्कर से बनी हुई चीजों को लोग खाते हैं, जैसे तिलकुट है। हाँ। जो देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं कि खोइया है, लाय है, वो गुड़ से बना हुआ होता है, शक्कर से बना होता है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि का सबसे पहला अन्न है वो तिल है। हाँ। और तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से भी है। हाँ। और माँ लक्ष्मी के शरीर से गन्ने की उत्पत्ति भी। अच्छा। तो गन्ना से ही शक्कर बनता है, इसलिए तिल और शक्कर का सेवन, तिल और शक्कर का दान, ये काफी पुण्यदायी है। तो यानी जो शुभ कार्य हो रहे हैं, मतलब मकर संक्रांति से जो शुभ कार्य शुरू होंगे, वो इसलिए कि देवताओं का जो है वो जग जाते हैं और उनके सानिध्य में हर काम हो, इसके लिए इसको शुभ माना जाता है। जी जी जी। देखिए, कहा जाता है क्या कि सौर मास और सौर वर्ष जो होता है वो दो भागों में है, एक 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और कहा जाता है कि ये यहाँ से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण में इनकी चर्चा है। 6 महीने जब सूर्य आपको उत्तरायण रहते, फिर दक्षिणायन हो जाता है, वो देवताओं की रात्रि कहलाती है। यानी कि जब तक सूर्य धनु राशि में हो, कर्क राशि से धनु राशि तक देवताओं का वो रात्रि होता है, अर्थात देवताओं का शयन काल होता है। और इस दिन के बाद से जैसे ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, कहा जाता है कि देवताओं का जागरण हो जाता है, इसीलिए इस दिन के बाद से सारे शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं और फलदायी है। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए लोगों को, जिससे कि उसके जीवन में खुशहाली आए? देखिए, सूर्य हमारे आदि देव है। हाँ। कोई देवता स्पष्ट दिखाई दे या नहीं दे। हाँ। लेकिन सूर्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। हाँ। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की असुर की आराधना अवश्य करनी चाहिए, पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। दिन में शुरुआत करें स्नान से। हाँ। सूर्य की पूजा, मतलब सूर्य की आराधना से। हाँ। दान से। हाँ। पितरों के निमित्त भी दान किया जाए इस दिन। हाँ। तो काफी पुण्य देने वाला होता है। हाँ। मकर संक्रांति के बाद सभी शुभ कार्य शुरू होंगे। ईटीवी भारत भी कामना करता है कि लोगों का जीवन खुशहाल रहे। ईटीवी भारत के लिए सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।